पर है। लेकिन आइए अब टेक्निकल नजरिए के साथ साथ फंडामेंटल आउटलुक भी जानते हैं और हमारे खास सेगमेंट मुनाफे का फंडा का रुख करते हैं। आज हमारे साथ SBI सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल जुड़ गए हैं। सनी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। बताएं आज कौन से फंडामेंटल पिक्स लेकर आए हैं आप हमारे लिए? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारे दो फंडामेंटल पिक जो हम लाए वो है, उसमें से पहला स्टॉक है MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। MCX ये इंडिया का लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज है विद 92% मार्केट शेयर, जहाँ पर कमोडिटीज लाइक क्रूड ऑयल, मेटल्स ये सब ट्रेड होती है। इट इज वेरी सिमिलर टू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑन फॉर द डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट। इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द थीसिस बिहाइंड रिकमेंडिंग MCX इज दैट, अगर हमने ये क्वार्टर का रिजल्ट देखा सितंबर क्वार्टर का, तो इस क्वार्टर के रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन थे। इसमें हमने देखा कि जो ऑप्शन वॉल्यूम है, इट हैज सर्ज बाय ऑलमोस्ट 400% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो हमें लगता है कि जिस तरह इक्विटी में ओवर द लास्ट 7 to 8 years जो वॉल्यूम है इंडेक्स ऑप्शंस में सर्ज हुए हैं, उसी तरह हमें लगता है कि इसमें जो वेरियस प्रोडक्ट्स है, whether it is gold, metals and all other asset classes, commodity asset classes, इसमें आगे जाके ऑप्शंस का वॉल्यूम बढ़ेगा और ये एक बहुत बड़ी एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है एक MCX के लिए। और इसके चलते हुए हमें लगता है कि एक MCX एक लंबी अवधि के लिए 2000 रुपए का अपटू 2000 रुपीज का प्राइस टारगेट से लेकर के इन्वेस्टर ने इसको लंबी अवधि के लिए बाय करना चाहिए। और इसमें और एक ट्रिगर आगे जाके है, वो है कि कंपनी ने आगे जाके गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज और इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स के एक्सचेंज के लिए एक प्लानिंग की है, जिसके अभी कोई टाइमलाइन दी नहीं है, बट हमें लगता है कि ये जाके वॉल्यूम ग्रोथ देगा इस कंपनी को। और सेकंड स्टॉक है हमारा ये मारुति, जो कि हालांकि हमने देखा कि क्वार्टर टू के नंबर्स काफी रोबस्ट थे फॉर मारुति। इनका जो तिमाही का जो वॉल्यूम था वो 36% बढ़ के 5.17 लाख यूनिट हो गया। उसमें से एक्सपोर्ट वॉज अराउंड 63,000 यूनिट एंड दिस वॉज लेड बाय द जो चिप की जो कंसर्न है वो थोड़ी इश्यू कहीं रिजोल्व हुई है। एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट मिक्स है वो फेवरेबली चेंज हुआ है प्रीमियमाइजेशन की ओर। तो हमने देखा कि जो रियलाइजेशन है वो 8% YOY और 2% की ओन क्यू से बढ़ करके 5.51 लाख रुपीज पर यूनिट हुआ है। एट द सेम टाइम द डिक्लाइन इन कमोडिटी प्राइसेज एंड फेवरेबल इम्पैक्ट ऑफ GPY डेप्रिसिएशन, इसके चलते हुए मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। और अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूं तो कंपनी की ऑर्डर बुक एज ऑफ सितंबर क्वार्टर इज 4.12 लाख यूनिट, जिसमें से 1.3 लाख यूनिट एक नई जो मॉडल लॉन्च हुए ब्रेजा और ग्रैंड विटारा वो मिलकर के है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जिस तरह से नए प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं मारुति के इन SUV सेगमेंट, दैट विल लीड टू द प्रीमियमाइजेशन एज वेल एज इंक्रीज इन मार्केट शेयर फॉर मारुति। तो हम ये स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं मारुति विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 12,000 रुपीज एंड विद अ इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 6 to 12 months। ओके, ठीक है, मारुति को लेकर आप काफी बुलिश है। 3 अहम ट्रिगर्स थे।